आप सबका स्वागत है छोटे पर्दे के सबसे बड़े शो पे जिसका नाम है वीवो स्मार्टफोन प्रेजेंट्स यारों की बारात को पावर्ड बाय amazon.in तो जोरदार तालियां हो जाए और हमारे शो पर आज दो ऐसे यार हैं एक बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने इतने कम टाइम में इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया है जितने टाइम में मैं अपनी दाढ़ी भी नहीं बना पाता द ब्यूटिफुल द गॉर्जियस एंड द सुपर टैलेंटेड अनुष्का शर्मा एंड लेडीज 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 एंड जेंटलमैन ऑफ कोर्स दिलों की धड़कनों का थाम के बैठ जाइए क्योंकि इस नाम को पूरे विश्व में कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं लोग इन्हें बादशाह कहते हैं दिलों का किंग कहते हैं लेकिन हम इन्हें कहते हैं हमारे दोस्त हमारे यार द वन एंड ओनली शाहरुख खान तू ही तो जन्नत मेरी तू ही मेरा तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू थैंक यू वेरी मच शुरू करने से पहले सिर्फ एक बात कहूंगा कि जो दिल में दिमाग ना रखता हो वो होता है यार जो हर पल कुछ भी बकता हो वो होता है यार जो आंसुओं को मुस्कान में बदलता है वो होता है यार जो कुछ भी करके तेरा काम करता है वो होता है यार जो हर पल तुम्हारे साथ हो वो होता है यार जो हर प्रॉब्लम को मात दे वो होता है यार वाह 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 थैंक यू वेरी मच अ बिग हैंड फॉर शाहरुख खान एंड अनुष्का शर्मा आपका जब भी नाम आता है फिल्म में उससे पहले आपने सोचा कि आपसे पहले हीरोइन का नाम आएगा तो ये सवाल और ये चैट हम अनुष्का से शुरू करेंगे अनुष्का आप फिल्म में आने से पहले शाहरुख की फैन थी उसके बाद आपने उनके साथ काम किया एज ए को स्टार और अब भी आप काम कर रही हैं नाउ यू आर फ्रेंड्स तो हाउ वाज दिस जर्नी फ्रॉम नोइंग समवन ऑन स्क्रीन अ बिग सुपरस्टार उसके बाद काम करना और उसके बाद दोस्ती करना यू नो एक्चुअली सबको ऐसा लगता है कि मैं इनको पहली बार मैंने इनको देखा था उनसे मिली थी सेट पे जो करेक्ट है फर्स्ट डे ऑफ द शूट ऑफ रब ने मनाली जोड़ी हम लोग पहली बार एक दूसरे से मिले थे उसके पहले कभी मिले नहीं थे लेकिन एक्चुअल में मैं इनको पहली बार जब देखा था वो मैंने इनको देखा था उसके कुछ आई थिंक एक साल पहले जो आपको भी नहीं पता होगा बट एक फैशन शो हम कर रहे थे और आप लोग ओम शांति ओम के लिए वॉक कर रहे थे उस फैशन शो में एंड मैं वहाँ पे खड़ी थी आई वाज वन ऑफ द मॉडल्स तो मैं लाइन में लगी हुई थी कि एक एक के बाद लड़कियाँ आती हैं ना तो मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी एंड सडनली पीछे से ना एक बहुत अच्छी खुशबू आई तो मैंने टर्न करके देखा क्या है तो कौन था ये तो शाहरुख वॉकिंग एंड शाहरुख थे दीपिका थी एंड अर्जुन था फरा थी एंड आई वॉज जस्ट लाइक स्टेयरिंग और जो मुझे इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी लगी दैट ही वॉज सो शिवलरस यू नो द वे ही वॉज विद विद दीपिका एंड विद फरा ही इज वेरी शिवलरस एज अ पर्सन So that's actually the first time I saw you, and I would have never in my life imagined कि आज मैं आपके साथ यहाँ पे बैठी हुई होंगी, हम ऐसे बात कर रहे होंगे, या मैंने आपके साथ तीन पिक्चरें करी हैं. That's like the maximum I've worked with any actor, you know, which is Shahrukh. So I mean, मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है. अगर कोई भी आप सब लोग जहाँ पे हैं, मैं exactly वहीं से आई हूँ, एक normal background से आई हूँ. So this is a big deal for me. You know, this is a very big deal for me. Thank you. Big deal. किस तरह की big deal? शाहरुख खान के साथ काम करने की बिग डील के ये फैक्ट है कि शाहरुख खान मेरा दोस्त है वो बिग डील जब आपकी दोस्ती हुई तो क्या आप घर वालों को आप इम्प्रेस करते थे कुछ बोलना नहीं शाहरुख खान मेरा दोस्त है ये होता था एक्चुअली मेरी दोस्ती इससे एक बहुत अजीब वजह से
ये ना बहुत ऑनेस्ट और सच्ची सी लड़की है. ये कुछ ऐसा सोचती नहीं है, प्लान नहीं करती है, और ऐसा नहीं है कि मुंह फट है, बदतमीज नहीं है, कोई बदअखलाकी नहीं करती है. लेकिन जब हम काम कर रहे थे तो ऑब्वियसली क्योंकि इनकी पहली फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझको ऑब्वियस बिकॉज मैं सीनियर एक्टर हूँ तो आई शुड बी अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग, और मैं आराम से काम शुरू करूँगा, खुद भी एक दो बार गलती करूँगा, किसको लगे नहीं कि सिर्फ उनसे गलती हो रही है. बट इसका जो लेवल था एक्टिंग का, एक तो ये आई थिंक लाइंस बहुत अच्छा रखती है, बहुत ही अच्छे लर्न से कर लेती है. हम अभी भी रट के आए अभी. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसकी जो ब्यूटी है ना वो ये था कि इसका अपना माइंड है और आज तक है. तो मुझे कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कि यार मैं कह रहा हूँ ऐसा करते ना, लेकिन इसका अपना माइंड है. जब तक ये कन्विंस नहीं होते किसी वजह से या बात से तब तक करती नहीं है. तो और पहली बार इसने मुझे ये भी बोल दिया था कि आप इतने अच्छे एक्टर नहीं हो, अच्छा ज्यादा मत समझो अपने आप को. That's a true friend. तो मैंने कहा यार इसके इस ऐसी लड़की से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, दोस्त बन जाओ सेफ रहेगा. मैं डर के दोस्ती कर ली. यू एक्चुअली थॉट के इतने अच्छे एक्टर नहीं है. मैं बता रही हूँ आपको, मैं इतनी जगह हर जगह जाके मैं अपनी सफाई दे चुकी हूँ. गलती सुधार रही है, वापस देना चाहूंगी. नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला था. और फिर हमने आखिरी दिन की शूटिंग आ गई थी, हम वो गाना कर रहे थे, तुझमें रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, बहुत खूबसूरत गाना था. और उसमें आखिरी शॉट में ये मोटरसाइकिल में पीछे बैठी है मेरे साथ, या ऐसा कुछ एक सीन है, ट्रक्स के बीच में से जा रहे हैं. तो ऑब्वियसली पूरा 6-8 महीने हो गए थे और आखिरी दिन था, हम वैसे ही इमोशनल थे, सबकी दोस्ती हो गई थी, बहुत अच्छी फिल्म बनी, बहुत मजा आया साथ में काम. और उसमें कोई ज्यादा लोग नहीं थे, हम ही दोनों थे. तो यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर. तो इसने ना मुझे पीछे से ऐसे गले लगा के, यू नो शाहरुख आई वांट टू टेल यू समथिंग. तो मेरी ना होप राइज हो गई कि बोलेगी अब तेरे साथ काम करके मालूम पड़ा तू बहुत अच्छा एक्टर है. तो मैं कहा हाँ बोलो अनुष्का बोलो. तो इसने पीछे से ऐसे गले लगा के, यू नो यू आर सच अ गुड ह्यूमन बींग. इसने आज तक मुझे नहीं बोला, मैं कोशिश करता रहूंगा. अभी हमारी टीम से आई थिंक दैट इज द ग्रेटर थिंग अबाउट यू, बिकॉज़ यू आर सच अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर सच एन ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग. एंड इतनी ऑनेस्टी इतने सालों बाद भी इस इंडस्ट्री में रखना, इट्स नॉट एन इजी थिंग, यू नो. एंड मैं समझती हूं अब उस समय पे एक्टिंग ऑनेस्ट नहीं है. नहीं यार, नहीं है यार, आप लोग क्यों मुझे बुली कर रहे हो यार, ऐसे मैंने कभी नहीं बोला. सो यू आर सेइंग ये बेटर ह्यूमन बीइंग है कि बेटर एक्टर है? देखिए, अगर मेरी परफॉर्मेंस रबने में किसी को भी अच्छी लगी, दैट वाज बिकॉज़ ऑफ हिम ओनली. सो यू कैन नॉट, आई वुड नेवर थिंक दैट ही इज अ बैड एक्टर. यू हैव टू, व्हाट इज, अच्छा आई थॉट इसलिए अच्छी लगी कि मुझसे तो शाहरुख से तो अच्छी करती थी. अभी तो बेटर लगी सबको. यू नो जब दोस्ती होती है देयर आर वेरियस वेज के जिसपे आप कनेक्ट करते हो, यू नो कुछ गैजेट्स हो सकते हैं, गाड़ियां हो सकती है, तो ऐसी कौन सी चीज है जिस पर एज अ फ्रेंड आप कनेक्ट होते हो? मैं बहुत सीक्रेट हूँ एज अ पर्सन. मैं ज्यादा अपनी बातें, दिल की बातें लोगों को बताती नहीं हूँ. मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी ज्यादा शेयर नहीं करती हूँ. बट सम हाउ यू नो विद हिम, ही इज ओनली पर्सन जिनके साथ मैं बात कर लेती हूँ खुल के, बिकॉज इनके अंदर है वो एक ऑनेस्टी है, एक डेप्थ है, एंड ही डज नॉट जज यू. शुरू से और हमने कभी ऐसे बैठ के दोस्ती नहीं की. जैसे आप पूछ रहे हो कि गैजेट्स पे हो गई या कोई कॉमन बात थी, या यार हम कहीं मिले और फिर हमने कहा यार वहाँ चलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एक्चुअली जिस तरह से हम दोनों एक दूसरे की स्पेस की इज्जत करते हैं, मुझे ना वो बहुत अच्छा लगता है. ये कभी भी किसी भी तरह से किसी की प्रिवेसी में या जगह में इनक्रोच नहीं करती. मैं भी खुद वैसा हूँ. सो आई थिंक दैट्स व्हाई वी गेट क्लोजर, कि जब मैं इससे बात करना शुरू करता हूँ या ये मुझसे बात करती हैं, सो वी टॉक अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम अमूमन बात बाहर नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो बात है ना ये हम तक ही रहेगी और हम ये समझेंगे. और इट्स नॉट अबाउट कि गॉसिप करेंगे या नहीं, बट समवे डाउन द लाइन हम दोनों जो है ये इस बात को, इस प्रिवेसी को समझते हैं, इस स्पेस को समझते हैं, और हम दोनों को एक दूसरे की उस स्पेस की इज्जत होगी. सो आई थिंक दैट इज अ स्ट्रेंज बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. बट ये दोस्ती को आप कितना बार, 2009 2010 2008, 7-8 साल हो गए. हाँ एक्चुअली यार, एंड इंशाल्लाह और बहुत सारे साल ये दोस्ती चलेगी. शाहरुख, अगर एक दिन के लिए आप अनुष्का बन जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैं शाहरुख खान की बहुत तारीफ करूंगा. ये कह दूंगी कि शाहरुख बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है. मैं बोल दूंगा, फाइनली बोल दूंगा, मैं फाइनली मैं बोल दूंगी. अनुष्का, अगर एक दिन के लिए आप शाहरुख बन गए तो क्या करेंगे? तो जैसा शाहरुख बोलता है खुद को, मैं बहुत अच्छा एक्टर बोलती रहूंगी. आपके बर्थडे पे मैं उठ जाऊँ, इनके जन्मदिन के दिन मैं उठ जाऊँ, और मैं मन्नत पे पीछे जाके जहाँ लोग खड़े होंगे जाके
Because I, you know, inki stardom is like just something else only. हम कहीं पे भी shooting करते हैं, मैंने देखा है, आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कुछ औरतें हैं जो जर्मनी से, ये जहाँ पे भी shooting करते हैं, वो वहाँ पे आती हैं और बस सेट पे बैठी रहती हैं. ये नहीं कि इनसे कुछ ऑटोग्राफ मांगेंगी या फोटोग्राफ मांगेंगी या इनसे बात करना चाहेंगी, वो बस बैठ के इनको देखती है. ये दिस इज लाइक द ट्रू लव, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. मैं तुम लोगों को सच्ची बात बता दूं, वो जो जो औरतें वगैरह ये फॉरेन जो तुम कह रहे हो, ये सब इसलिए वेट कर रहे हैं बिकॉज सारे के सारे क्लेम कर रहे हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो मेरे, इसलिए आके बैठे रहते हैं. असली रीजन ये. कुछ भी, कुछ ऐसा कर जाओ मिस्टर खान के हर गली में आप जाओ तो लोग कहें ये मेरा अब्बा जान. शाहरुख खान मेरा अब्बा जान. इससे बड़ा सबूत सुपर स्टारडम वर्ल्ड वाइड का क्या हो सकता है शाहरुख खान का, कि द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड बराक ओबामा प्रेसिडेंट जब इंडिया आके स्पीच देते हैं तो पहली लाइन वो हिंदी में इनकी फिल्म का डायलॉग बोलते हैं. बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ये इनका स्टारडम है. सिनोरिता, बड़े बड़े देशों में, यू नो व्हाट आई मीन. सो How did you feel then when Barack Obama said that? Kaisa laga? Mere ko laga dialogue delivery better ho sakti thi. Thoda sa main yaar, mujhe laga ki thoda dialogue. I would have done it differently. Main thoda sa differently karta main. Ab bari hai, hum दोस्तों का इम्तिहान लेते हैं. यहाँ पर एक छोटा सा गेम खेलते हैं. दोस्तों का इम्तिहान नहीं होता. दोस्ती दोस्ती में कभी इम्तिहान नहीं होता दोस्त. ये बात भी सच है और हम दोनों फेल होंगे उसमें. जानबूझकर एक छोटा सा गेम खेलेंगे. अनुज के रेडी, शाहरुख के रेडी, मैं तो कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो. घर जा रहे हैं. एंटर स्टेज. ये गेम में बहुत सिंपल रूल्स हैं. 10 सेकंड का टाइम आपको मिलने वाला है अनुष्का. मैं आपको शाहरुख की तरफ से एक वर्ड बताऊंगा जो शाहरुख को नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा. आपको वो वर्ड गेस करना है, शाहरुख को गेस करना है, आपको एक्ट करना है या दूसरे रिलेटेड वर्ड्स समझाना है. रेडी? पहला वर्ड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. एक ही शब्द है. मैंने पिक्चर में ये किया है, ये एक स्पोर्ट है, इसमें एक मूव होती है. रेसलिंग. मूव कौन सी होती है? मैंने ना वो पिक्चर में किया है. मैंने पिक्चर में किया, मैंने एक पिक्चर में किया है. अब इसने पिक्चर में क्या क्या किया है, कितनी सारी. एक स्पोर्ट होती है, स्पोर्ट होती है, स्पोर्ट होती है. मुझे पता क्या हुआ, मैंने कहा नमस्कार आज तो मोर की गर्लफ्रेंड. आई कैन सिंग अ सॉन्ग. यस. बागम डैश बागम. ओके 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 गॉट इट गॉट इट. अब हो गई, अब गेम समझ आ गया. अब समझ आ गया. आप समझ आ गए. एक सही एक गलत. लेट्स गो. माधुरी दीक्षित स्टेज पे थे और आप कुछ बोलते उनको. और पास और पास. नो नो नो. दिल वाले दूल्हे नहीं ले जाएंगे. काजल काजल. माधुरी भी लेते हैं. द वर्ड इज दिस. माधुरी दीक्षित स्टेज पे. स्टेज पे. स्टेज पे. स्टेज पे क्यों बोला पलट? स्टेशन में काजल को बोला. स्टेज पे खड़ा हुआ था वो. स्टेशन में ट्रेन पे. स्टेज पे. मैं कंफ्यूज हो गई. और माधुरी दीक्षित को लेके मैं और पास सोचने लगी. मैं लड़कियों को मिलती जुलती बातें करता. अच्छा ये हमने खाए थे ना फिल्म में. गोलगप्पे. हाँ गोलगप्पा. वाह. एक सेकंड. बहुत सारा खाना खाया था. एक सेकंड में गोलगप्पे कैसे खाए? वो एक ही चीज खाई थी हमने. ओके ओके लेट्स गो रेडी. अरे जिनका पलट बोलते हो कौन है वो? माधुरी दीक्षित. काजल.
Well done, well done. Ready? Okay, let's go. कोई है? हाँ जरा. Leech, leech. मतलब कोई इंसान है बहुत ज़्यादा ना? Leecher, बहुत ज़्यादा. चिप्पू. हाँ. चिप्पू. Ready? Let's go. पांच सेकेंड है. और एक और होती है. एक चुड़ैल होती है. दूसरी. डरावनी. मैं हिंट दूँ. हाँ. मुझे मालूम है वो भी. प्रिंस चार्ल्स की पहली बीवी. डायन. अरे डायन. बट डायन है ना नाम. बट डायन. प्रिंस चार्ल्स की पहली बीवी. मैं टाइम बचाने के लिए वहाँ नहीं गया. करेक्ट. यूके वीजा. लेकिन टाइम अप हो चुका था. सॉरी. चलो. अच्छा ये जो लड़के लड़कियां करते हैं जब मिलते मिलते हैं थोड़ा सा इश्क मोहब्बत प्यार यार तो पहले मेकअप पार्टीज में नोक झोंक. अरे यार इश्क मोहब्बत नोक झोंक मतलब पार्टी में नोक झोंक करेंगे. अच्छा एसएमएस पे फ्लर्ट चिपकू. अच्छा सॉरी चिपकू. बेस्ट वाज इश्क मोहब्बत नहीं जो पहले करते ना मेकआउट. नहीं नहीं बड़ी मैं क्लासिकल वर्ड नोक झोंक. लेकिन मैं समझ रहा हूँ हिंदी का शब्द है इसलिए प्रॉब्लम हो गई. नहीं करेक्ट करेक्ट. ऐसे बोल देना अंग्रेजी में. ओके रेडी. फिर देख तू. अच्छा ये ना अभी रिसेंटली नहीं. अच्छा ओ ओ कौन होता है ये? ओरंगटान. नहीं यार आप बहुत बहुत स्पेसिफिक बोल रहे हो. बहुत कॉमन बंदर. ज्यादा कॉमन नेम अंग्रेजी का. मंकी बोलो ना. चिंपैंजी. हां चिंपैंजी. को टाइम खत्म हो गया. Let's go fast. I'm ready. Achoo. Cheek. Well done. अंग्रेजी में सीख. Oh sorry, ये नहीं कर सकते. हाँ? ये नहीं कर सकते. Acting कर सकते. कर सकते. Okay, let's go. चल छोड़ो. वही तो धंधा. हाँ. Let's go Anushka. Ready, I'm ready. अच्छा ये जो इंसान ना शादी नहीं करता है. कुमारा. उसको एक और वर्ड होता है ना. ब्रह्मचारी. हाँ. अरे वाह. शाहरुख को 15 में से सिर्फ 5 रॉन्ग मिले मतलब 10 राइट मिले. वाह. लेकिन अब बारी है अनुष्का की. ओ नो. आपको गेस करना है. तो ये है पहला वर्ड. ओके दिवाली में हम क्या जलाते हैं? पटाखे. नहीं जलाने चाहिए. नहीं जलाने चाहिए. करेक्ट है. लेकिन नहीं जलाने चाहिए. आई एम टेकिंग माय 5 सेकंड्स टू से कि नहीं जलाने चाहिए. एक एक है मगर बहुत सारे. हां वो भी नहीं जलाना चाहिए. बातचीत भी करनी है. सब कुछ करना है. नाश्ता भी मंगा लूं मैं. क्यों? सुपर वेल डन. वेरी वेल. अच्छा वेरी गुड वेरी गुड. सेकंड वन. लड़कियां टांगों से जब बाल निकालती हैं उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोमबत्ती. मोमबत्ती टाइप. वैक्स. हाँ. और वो. वैक्सिंग. या. ओके. ओके. जब आदमी को हैंग करते हैं सॉरी मतलब जब फांसी देते हैं तो वो क्या हो जाता है? मर जाता है. नहीं. डाई. नहीं. टंगता है. हाँ. हैंग. हाँ मतलब. टंगना हैंग ही बोलते हैं ना. स्विंग स्विंग. वो बहुत देवदास में थोड़ा तो हिंदी बोल लो ना. अच्छा सॉरी. ओके. आमदनी अठन्नी डैश रुपया. अरे वाह. वेल डन अनुष्का. वेल डन. मुझे लगा नहीं तुझे गाना मालूम होगा ये वाला. अनुष्का सुपर. ओके ये ड्राई फ्रूट है जो दिमाग की तरह लगता है. अंग्रेजी के दो शब्द हैं. इंटरवल को हम बोलते हैं. इंटरमिशन. नहीं एक और वर्ड जब छुट्टी होती है आधी छुट्टी. ओके दोनों का झगड़ा हो गया दोनों के दोनों टूट गए. ब्रेक. और उसके बाद डाउन का ऑपोजिट. अप. डाउन का ऑपोजिट. अप. ऑलराइट. हाँ तू मेरी चम्मक चल लो. क्या हो रहा है ना? ओके मैंने इस जगह पर जाकर क्रिकेट नहीं खेला झगड़ा किया था मुंबई में. वांखेड़े. और दो वर्ड्स हैं बाकी जो बड़ा जगह. हाँ एकदम. ओके दो चीजें. सेकेंड पार्ट है कोयल पुरी का एक शो आता है कम एंड सिट काउच. हाँ सेकेंड पार्ट. हाँ
Amazing combination. Amazing combination. हम ना acting छोड़के dumb charades की team बना लेते हैं. Taboo की team. Whole film like this. Taboo champion. International taboo player. Taboo player. हो सकता है world champion बन सकते हैं. बस हम यही करने वाले हैं. This is a true calling. ओहो. मतलब जब बहुत ही घटिया किस्म का आदमी होता है ना लीचड़पन करता है बत्तख हाँ हिंदी में चीपड़ा हाँ चीपड़ा टाइप कमीना हाँ मतलब छींक की तरह होता है लीचड़ ऐसे ट्राई कर चल ऐसे करते हैं ये सब पॉइंट्स हैं क्या होता है मतलब बहुत ही या ये लीचड़ टाइप चीपड़ा टाइप यू नो बड़ा ही हाँ छी ओके okay, एक छोरी होती है और दूसरा होता है छोरा हाँ. तो छिछोरा yeah. मुझे मुझे इन दोनों को पॉइंट कर देना चाहिए ऑलराइट अजब सी चीज अजूबा एक टिपिकल काइंड ऑफ आदमी पर्टिकुलर हिंदी में ये बड़ा मुश्किल है अच्छा अच्छा राजू हिरानी की पिक्चर मैं नहीं कर सका सेकंड पार्ट राजू हिरानी की पिक्चर जो फेमस हुई थी मुन्ना बस पहला वाला हिस्सा मुन्ना हाँ तो सेकंड पार्ट वो है और पहला है हाँ का ऑपोजिट नामुन्ना ओके ये बहुत बड़े एक्टर हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ अभी पिक्चर की जिसका नाम था पीके आमिर खान हाँ डाउट से बोल रही थी अमिर खान है ना माधुरी दीक्षित ओके हैंकी का हिंदी क्या होता है हैंकी का हिंदी मुझे पता था मगर बोला रुमाल रुमाल पहला हिस्सा काट दिया माल 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 शाहरुख इज गिविंग सुपर वेल डन जब स्विमिंग करते हुए लड़कियां दो पीस में क्या पहनती हैं अरे वाह तूने भी बहुत अच्छा किया था तेरा प्रॉब्लम था पहले पांच सेकंड तू हंस रही थी और भाग रही थी आप विनर है और ग्रेशियसली नहीं भी बोलते तो भी टेक्निकली भी आप ही विनर है रूल के हिसाब से गेम के मुताबिक जो जीतता है वो इन्हें एक पनिशमेंट देता है इनका पनिशमेंट जो है पहली बार आज तक आपने कभी टेलीविजन पे कहीं नहीं देखा होगा सिर्फ यारों की बारात में आपको देखने को मिलेगा शाहरुख खान का पोल डांस वो तो मैंने बहुत बार किया है आई एम प्रोफेशनल पोल डांसर आपके बेडरूम में भी एक पोल है नहीं नहीं बाहर मार्केट में करता हूँ आई टेक मनी फॉर दिस ले आओ पोल ले आओ फिल्मों में कई बार जो आपकी आइकॉनिक पोज है ऐसे करके आपने यू नो कई लड़कियों को मनाया है घर में अगर गौरी भाभी नाराज हो तो क्या आपने ये पैंतरा आजमाया है डज इट वर्क एट होम मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहता कि कितना कम वर्क करेगा वहां पे
मतलब मेरे को ना मतलब घर से निकाल दिया जाएगा कि मैं ऐसे कोशिश भी करूँ ऐसा करने की. क्या मतलब क्या है, है क्या ये, व्हाट इज दिस. और वही नहीं, बच्चे भी बहन भी सब पूछने लगेंगे, वो भी नहीं कुक वगैरह सब आके, है क्या साहब ये कर क्या रहे है क्या ये. मुझे नहीं लगता वर्क करेगा. एक बार ट्राई कर, मतलब ना मेरे को आप सपोज टू पिकअप आ रहे हैं, मैं पिकअप करना भूल गया, वो स्कूल के बाहर बेचारा यतीम यसीर घूम रहा है ऐसा करके, और मैं घर वापस आया कि आर्यन को पिक कर रहे हैं तुम कहीं नहीं पहुंचे. अनुष्का, मैं आपसे थोड़ी सी सीरियस कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो. मैं ही सीरियस पर्सन. हाँ तो सीरियसली स्पीकिंग, मैं आपको आपके दोस्त के बारे में और जनता को भी एक ऐसा राज फाश करने वाला हूं जो आज तक किसी को नहीं पता. शाहरुख, अरमान कोहली का जब मैं नाम लेता हूं तो आपका रिएक्शन कैसा होता है? एक्चुअली वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि मैं स्टार बना, और ये बहुत कम लोग जानते हैं. मेरी पहली फिल्म जो रिलीज हुई थी वो दीवाना थी. मैंने साइन लेट की थी और आई थिंक वो बहुत चल भी गई थी, और उसकी वजह से लोग मुझे बहुत पसंद करने लगे थे, लेकिन उस फिल्म में मैं नहीं था. उस फिल्म का जो एक पोस्टर शूट हुआ था, हाँ वो अभी भी जो दीवाना का, और वो काफ़ी आइकॉनिक पोस्टर, बड़ा खूबसूरत पोस्टर बनाया था आई थिंक मिस्टर राजकम और सब ने मिलकर. वो पोस्टर में मैं हुई नहीं, वो अरमानी हैं और दिव्या भारती जी हैं, लेट दिव्या भारती जी. और वो क्योंकि तब फिल्मों में इतना बजट नहीं होता था और मैं वैसे भी न्यू कमर था, तो उन्होंने सोचा अभी क्या इसका फोटो वोटो खिंचाएंगे, और उन्हें ये कहीं लग भी गया होगा कि मैं लड़की को इस तरह उठा नहीं सकता, गिर पड़ जाऊंगा मैं कमर में टूट जाएगी. तो पोस्टर एक्चुअली फिल्म का अभी भी, और मेरे घर में उसके उस जमाने में 100 डेज सिल्वर जुबली वगैरह होती थी, तो मेरे पास घर में जो सिल्वर जुबली ट्रॉफी है वो सिर्फ अरमान कोहली ने हीरोइन को ऐसा उठा रखा है, और दीवाना 100 डेज या सिल्वर जुबली लिखा है, तो ट्रॉफी पे भी वही है. तो मैं हुई नहीं उसके पोस्टर पे उस फिल्म के. और ये बात आज से पहले किसी ने कभी ना पूछी थी, आज पहली बार शाहरुख ने इस शो पे बताया. तो अरमान कोहली साहब, नो सर, थैंक यू वेरी मच अरमान फॉर हेल्पिंग मी बिकम अ स्टार. अरमान, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल शाहरुख खान फैंस, थैंक यू. मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आप तो वर्ल्ड फेमस स्टार हैं, सबसे ज्यादा स्टारडम पाने के बाद आप कौन सी वो चीज मिस करते हैं जो एक आम आदमी डेली करता है, जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सड़क पर जाके पानी पूरी नहीं खा सकते, व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप मिस करते हैं? मतलब मैं सच बोलूंगा, और क्योंकि जवान लोग और लड़के लड़कियां देख रहे होंगे कि अगर आपका लगाव किसी चीज़ में है, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं छूटनी पड़ती हैं ज़िंदगी में. अगर आप बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो हो सकता है आपका फ्री टाइम, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, जो भी चीज़ आप एक्सीलेंट लेवल पर पाना चाहते हैं. मैं शुरू में ऐसा नहीं सोचता था. 5-10 साल मेरी फिल्में चल गई तो मुझे लगा कि अब मुझ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि मैं अब एक्सेल करूं इस फील्ड में, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, तो अब ये मैं डिजर्विंग करूं, तो मैं और भी अच्छी मेहनत करूं. उसमें बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं, और जब वो छूट जाएं तो उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं सड़क पर जाके पानी पूरी खा सकता, तो मैं ये कर सकता, दोस्तों के साथ वक्त नहीं मिलता. तो पब्लिक फिगर की ज़िंदगी ना उसकी फैमिली की होती, ना दोस्तों की होती है, एक्चुअली किसी की नहीं होती. और आप अगर कोई भी ऐसा काम करना चाहें जो उच्च मतलब लेवल पर पहुँचना चाहें, तो ये करना पड़ेगा. और आई डोंट थिंक यू शुड मिस एनीथिंग, क्योंकि जब आप, अब मैं मजाक कर सकता हूँ थोड़ा सा, जब आप बड़े हो जाएंगे तो पैसा कमा लेंगे, पानी पूरी की दुकान खोलो, सड़क को घर ले आओ, बट मैं कुछ भी मिस नहीं करता. ये तो शाहरुख साहब का जवाब था. अनुष्का, आप क्या मिस करती हो? आपके ख्याल भी मिलते जुलते? मतलब मैं भी ऐसे कुछ मिस नहीं करती. कुछ नहीं मिस करती. मुझे, मैं एक छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ. एक ना लंदन वगैरह में ऐसे एक्सरे की मशीन्स हैं, आजकल कई जगहों पर लगी हुई हैं, वो जो अपने ना ऐसा इंस्टेड ऑफ एयरपोर्ट्स पर ना, हाँ. वो फोटो, अब आप ऐसा जब फोटो खिंचाते हैं तो वो आपकी अंदर की बॉडी की फोटो होती, तो आपने कुछ छुपाया हुआ हो या कुछ गलत चीज़ हो, बंदूक हो या व्हाटएवर, तो वो फोटो आ जाती है पूरी की पूरी.
तो ऑब्वियसली वो फोटो इंटरनल होती है पूरी जी, एक्सरे टाइप. तो जब मैं पहली बार जब वो मशीन हुआ था तो मेरा हुआ ऐसा और मैं निकला एयरपोर्ट से, तो मैं मुझे मालूम नहीं था वो फोटो कैसे लगती है, लेकिन 5-7 लड़के लड़कियां ज्यादा वो फोटो लेकर आ गई थी कि उसके ऊपर ऑटोग्राफ दो. वो बड़ा एम्बेरसिंग होता है वो. तो मतलब ना मैंने उसको ऐसे में कि ये कौन है, तो आपकी फोटो है मेरी, मतलब एंड वो खुला हमेशा मैंने उस पर ऑटोग्राफ दिया हुआ है. तो मैं आपको अंदर से जानती दे दिया. अब क्या करता मैं, तो भाग गया. मतलब मैं उसको डिनाई भी नहीं कर सका कि मैं नहीं हूँ, मैं ही था. और तो मैंने ऑटोग्राफ दिया. तो मैं कभी कभी वो थोड़ा सा मिस करता हूँ कि कई बार अपनी पर्सनल स्पेस के ऊपर, मतलब ये बहुत स्वीट इंसिडेंट था लेकिन पर्सनल स्पेस पे थोड़ा सा इंक्रोचमेंट हो जाता है. ये मैं भी. कि जब बच्चों के साथ बैठे हैं लोग जो हैं, खाना खा रहे हैं तो फोटो कोई ले लेता है, मतलब ऐसा थोड़ा सा अजीब लगता है. और कई बार ना लोग समझते हैं हम छुपके ले रहे हैं, लेकिन मैं पकड़ लेता हूँ, मुझे मालूम है. मुझे ऐसा कई लोग मैंने देखे ना रेस्टोरेंट में, तो मैं जैसे फोटो ले तू, मैं लेने ही नहीं देता हूँ. मैं भी थ्रू आउट वैसे ही मैं फोटो ही नहीं लेने देता हूँ. जब छुपके जो लेता ना तो मैं उसको जरा सा दिखाना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है, और उसको मालूम नहीं करने देता कि मुझे मालूम है. तो ये मेरा अपना एक पर्सनल पागल सा गेम चलता रहता, खाना नहीं खाता हूँ, कुछ नहीं करता, यही करता रहता. ऑटोग्राफ से एक किस्सा मुझे याद आया जो आपने मुझे कई साल पहले सुनाया था, कई सालों पहले, कि आप एयरपोर्ट पे थे और लेट हो रहे थे और भाग रहे थे, और एक फैन लंदन के एयरपोर्ट पे टर्मिनल चेंज करते आपके पीछे भाग रहे थे. वो आप किस्सा प्लीज बताया. तो मैं एक बार मैं न्यूयॉर्क से आ रहा था, मैं शूटिंग कर रहा था परदेश और अनफॉर्चुनेटली माय वाइफ हैड अ मिसकैरेज. तो मुझे बहुत जल्दी पहुंचना था, तो हमने कॉनकॉर्ड प्लेन जो हुआ करता था, तो पहले प्लेन की जल्दी से जाएंगे. तो मैं उस प्लेन में बैठ के एलए टू न्यूयॉर्क, वेगस से हम शूटिंग कर रहे थे, तो एलए टू न्यूयॉर्क पहुंचा. और मैं अकेला था, अमूमन अकेला नहीं होता हूं, कोई हेल्प करता है. और मैं सीधा लंदन पहुंचा. तो लंदन में जो कॉनकॉर्ड का वो था टर्मिनल अलग है, जो फिर उसके बाद एयर इंडिया का जो हम इंडिया लेकर आता था. तो मुझे मालूम नहीं था, बाहर से निकल के जाना था. तो मैंने बैग उठाया, और अमूमन जल्दी के अंदर जब भी बैग लेके भागते तो बैग का हैंडल टूट जाता है, तो कड़ाक वो भी टूट गया था. और मैं भाग रहा हूँ और कपड़े गिर रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन सी जगह पे जाऊँ, मैंने कभी किया नहीं है. मैं बहुत ही बेतहाशा पागलों की तरह भाग रहा था, और एक लेडी थी जो मेरे पीछे पीछे उस कॉन्कर्ट के टर्मिनल में चारों के करके वो मेरे पीछे पीछे भागना शुरू हो गया. एक एक ऑटोग्राफ, एक फोटो. मैं कहा अभी नहीं, अभी मेरे प्लेन चला जाएगा. फिर बाहर सड़क के ऊपर टर्मिनल क्रॉस करके, तब ऐसे ब्रिजेस नहीं थे, बहुत मुश्किल से मैं वहां पहुंचा. और औरत पीछे, नहीं नहीं प्लीज प्लीज. मैं कहा अब रुकिए एक मिनट. मैं गुस्सा भी होने लग गया था, क्योंकि मैं कह रहा प्लेन मिस हो जाएगा, सब हो जाएगा. फाइनली मैंने चेक इन किया, बाहर निकला. मैं कहा आइए ले लीजिए, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. यहाँ मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, उफ अक्षय आई लव यू. तब आपने क्या किया उस लेडी को? मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, तो मैंने जो सिग्नेचर दिया वो अक्षय कुमार ही दिया है मैंने. सो आई गिव इट अ ऑटोग्राफ फॉर अक्षय कुमार. सो दिस इज आफ्टर द रिलीज ऑफ दिलवाले दुल्हनिया. मैंने उसको ऑटोग्राफ दिया, मैं तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज. मैंने कर दिया, लगा उसको लगे नहीं कि कुछ गलत हुआ उसके साथ. अनुष्का, कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपकी फिल्म का डायरेक्टर पिट रहा है और आपने पब्लिक में जंप मार दिया, छोड़ो मेरे डायरेक्टर को, ऐसा नहीं हुआ है ना? मुझे पता है, उन्होंने मुझे बताया इनके साथ हुआ ऐसा. हाँ, शाहरुख के साथ ऐसा हुआ है. एक फिल्म की आप शूटिंग कर रहे थे, वहाँ सडनली आपका डायरेक्टर पब्लिक से पिटने लगा था. वो डायरेक्टर का नाम मत लेना, लेकिन आप गैलेंटली पब्लिक के बीच में एकदम छलांग लगा के उनको बचा के बाहर लाए थे, वो क्या था? वो एक हमारे डायरेक्टर थे जो ना बहुत क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल और पैशनेट हो जाते थे शूटिंग के अंदर. मतलब अगर शॉट गलत दे दो तो ना वो अटैक कर देते थे. बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं वो, एक्टरों को रुलाते भी थे. हाँ, लेकिन क्या होता था जब कई डायरेक्टर्स होते हैं जैसे अभी भी हैं दो चार, कि नॉर्मली बैठ के बहुत नॉर्मल लगते हैं, सेट के ऊपर एकदम इंटेंस हो जाते हैं एकदम. तो वो उनमें से थे. और जैसे एक शॉट दिया अनुष्का को, तो वन मोर तो ऐसे थोड़ा डांटना लग जाते थे. और बहुत प्यारे थे, मतलब बिल्कुल ऐसे इंसान नहीं लगते थे वो किसी को डांट भी सकते हैं अगर आप मिलो. और नहीं डांटते थे जेन्युइनली, बहुत अच्छे आदमी हो. बट सेट के ऊपर वो बड़े बड़ों को, बड़े बड़े एक्टर्स को, कर तू चल चल में मारो, बड़े बड़े एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स को. और सब उनके साथ पढ़े लिखे हैं, तो मतलब कोई सब जानते हैं जी. और मतलब सब यही करते थे. तेरे को लगी अभी तक, तेरे को पढ़ी, तेरे को पढ़ी. एक दो बार मेरा भी एक, आई रिमेम्बर सबसे मैक्सिमम 42 टेक हो गए. 42 अच्छा, 42 टेक हो गए. और फिर भी वो ऐसा नहीं करते थे कि होगा होगा,
तो ऐसे ओके अभी क्या चित तो यू आर वेरी डिप्रेस. फिर मुझे उन्होंने ये भी बोला था कि पत्थर से एक्टिंग करा लूं तुझसे बेटर पत्थर एक्टिंग बेटर करता है. तो बहुत ऐसा वो तो उनको गुस्सा हो जाता है शूटिंग करते हुए. तो एक दिन हम कोई पेट्रोल पंप पे या कहीं शूट कर रहे थे तो जिनका पेट्रोल पंप था ऐसा वाइड शॉट था तो अब सबको नहीं मालूम होता कि शूटिंग में फील्ड क्लियर होना चाहिए ये होना चाहिए. गोवा में ऐसा था तो ऐसा वो बेचारा जो मालिक था वो कुछ या कोई आदमी था वो अपना चलता चलता बाहर आ गया ऐसा घूमता क्या हो रहा है ऐसा करके ऐसा करके. तो वो निकल जाता था एक्चुअली पीछे कोई आदमी चल रहा है आगे जो भी शॉट हो रहा है. सडनली वो कैमरा को छोड़ छाड़ के भाग के आए और उन्होंने जैसे हमको अटैक करते उसको अटैक कर दिया. तो वो जिस पेट्रोल पंप से एक आदमी निकला था उस पेट्रोल पंप में 25 लोग काम करते थे तो 25 के 25 बाहर आ गए और हम लोग सब शूटिंग कर रहे थे. हमें समझ ही नहीं आया कि क्यों मारा ये क्यों हो रहा है. वो 25 लोग आए और उन्होंने दे के मारना शुरू किया उनको. तो फिर वहां पे मैं वहां पे था तो मैंने क्राउड के बीच में जंप मारा उनको पकड़ा और मुझे याद है वहां पे एक थ्री व्हीलर वाले साहब थे तो उन्होंने मुझे कहा स्कूटर में बैठाओ इनको लेके जाओ वरना लोग पब्लिक इनको मार देगी. तो थ्री व्हीलर में मैं उनको लेके चला गया. और मुझे अभी भी याद है जब हम फिर दूसरी जगह शूट कर रहे थे तो हाँ अलग अलग जगहों पे शूट कर रहे थे तो बसें भर भर के लोग आते थे उनको ढूंढने के लिए no. कि वो कहाँ है वो अपना ऐसा करके लोग आते यहाँ पे है क्या यहाँ पे क्या नहीं अभी नहीं कर रहे वो चले गए. फिल्म स्टार्स की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जो वीकनेस होती है वो होता है उनका फैंस का लव. जब तक फैंस नहीं है फिल्म स्टार नहीं होता है. तो जाहिर बात है कि आपके जितने भी सारे फैंस यहाँ पर बैठे हैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंटरेक्शन उनके साथ भी किया जाए. तो कौन पहले सवाल किससे पूछना चाहता है हाथ उठाइए. हाँ जी यस ब्लैक टी शर्ट हाय हाय माय नेम इज फोरम. योर नेम इज फोरम या मतलब क्या आपके नाम का मैम. फ्रेग्रेंस. आपकी छोटी बहन का नाम पोडियम तो नहीं है ना. हाँ फोरम पूछो. मेरे को अनुष्का मैम से क्वेश्चन है. मैम मेरे को अगर पिंपल होता है फेस पे तो मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ. अगर आपको पिंपल होता है तो आप क्या करते हो. आप तो ऑलरेडी इतनी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल हो. आप घर से बाहर नहीं गए क्योंकि आपके मुंह में पिंपल है. ऐसे मत करो. सो प्रिटी योर हेयर इज सो नाइस एंड योर ड्रेसिंग सो नाइसली. यू हैव मेनी रीजंस टू गो आउट. मैम कैन आई हग यू वंस. या प्लीज कम. Thank you, Forum. Thank you, Forum. और कौन है. हेलो शाहरुख सर. आपके सर मिलियन ट्रिलियंस फैंस हैं. मेरा आज बहुत बड़ा सपना था कि मैं आपको देखूं. मैं लखनऊ से आया हूं. थैंक यू. आपका नाम क्या बेटा. सर जय विजय सचान. जय विजय सचान. सर मैं लगभग 15 साल से मैं आपकी आवाज़ निकाल रहा हूं और जो मेरी छोटे शहर में जहां पर भी मेरी पहचान है वो आपकी आवाज़ की वजह से. और इस ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सपना था और मैंने अपने फ्रेंड से बोला था कि एक दिन आएगा जिस दिन मैं शाहरुख खान के सामने खड़ा होकर शाहरुख खान सर की आवाज़ सुनाऊंगा. मैं चाहूंगा सर मैं आपके पास आकर मैं. या प्लीज कम. आ जाओ प्लीज कम. जय विजय सचान तुमको ये कहूंगा कि थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. इट्स मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि तुम मेरी आवाज़ निकालते हो. मुझे बहुत आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई वर्क कि तुम्हें ऐसा लगा इस काबिल समझा कि मेरी आवाज़ निकालो. तो बहुत बहुत धन्यवाद. और आवाज़ होगी शाहरुख खान की जो निकालेंगे जय विजय सचान. प्रेजेंटिंग जय विजय सचान. थैंक यू सो मच. कहना काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं. आई लव यू. आई लव यू. आई लव यू वेरी वेरी मच. रहना मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं. मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं. हर घड़ी हर पल मेरे नैना बस मेरी नैना को ढूंढते. इसे इसे प्यार कहूं पागलपन या मेरे दिल की धड़कन.
मेरे लिए एक ही बात है, प्यार तो बहुत लोग करते हैं लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और मरते दम तक सिर्फ तुमसे प्यार करता रहूंगा, और उसके बाद भी सिर्फ तुमसे प्यार करता रहूंगा। वो कहते हैं ना, दिल तो हर किसी के पास होता है लेकिन हर कोई दिल वाला नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए एक तो ये हो गया, दो बातें हो गई कि मुझे अपनी फिल्म की डबिंग नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरी बात ये कि मेरे सीन और भी बेहतर हो जाएंगे क्योंकि तुम मुझसे भी अच्छा सीन कर रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आई जस्ट टेक इट एज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट यार कि लोग जो हैं मेरी आवाज़ निकाल सकते हैं। मुझे बहुत हम्बलिंग लगता है और जेन्युइनली लगता है। कई बार रेडियो पे, कई बार मैं सुनता हूँ लोग जो है बड़ा मजाक उड़ाते, जोक्स भी हैं, एड्स भी हैं, और कई लोग समझते होंगे कि मुझे गुस्सा आता है। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बिकॉज जब मैं छोटा था तो जेन्युइनली मैं रामलीला के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट की मिमिक्री खुद करता था। सो मुझे मालूम है कि वॉट इट टेक्स टू ट्राई एंड साउंड लाइक समवन एल्स, उसकी बहुत ज़्यादा कदर और आदर करना पड़ता है कि उनकी आवाज़ निकालो। तो मैं पृथ्वीराज कपूर से लेके राज कपूर जी, देव साहब, इन सब की करता था, और मुझे रामलीला में लोग ताली बजाते थे। तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु कैन मिमिक आर्टिस्ट। थैंक यू। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। और आपको मिलता है एक Vivo V3 स्मार्टफोन विद 3GB रैम और फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग जैसे बेहतरीन फीचर्स। मैं इसी का डायलॉग इसी की आवाज में सुनाता हूँ। wow! मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। मेरे नैना सिर्फ मेरी नैना को ढूंढते हैं। इसे प्यार कहो, पागलपन या दिल की धड़कन, एक ही बात है। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा, मैं तुम्हें मरते दम तक प्यार करूंगा, शायद उसके बाद भी। थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जय विजय। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। अब वक्त है फास्टर फिंगरप्रिंट कैप्चर करने वाले Vivo स्मार्टफोन सेल्फी मोमेंट का। गाइस लेट्स हैव अ सेल्फी। ओके लेट्स गो।